अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफत मैकबेथ से, जहां बात होती है मेकअप की, फैशन की, ग्रूमिंग की, मेकअप प्रोडक्ट पे और उसके यूजेज पे। तो आज हम बात कर रहे हैं मेकअप प्रोडक्ट पे। ये व्यूअर्स, ये मैंने ऑनलाइन बाय किया है, ये आप देख लीजिए। ये देखिए, ये मैंने ऑनलाइन बाय किया है, ये मॉइस्चराइजर क्रीम है जेनिफर। हम इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, अगर आपको मेरी प्रोनाउंसिएशन या आवाज़ क्लियरली समझ में ना आ रही हो तो इसको आप इसकी स्पेलिंग में करके बता देती हूँ। JENPHARM जेनिफर हम। इसकी ये देखिए, मैंने ऑनलाइन बाय किया है और ये हर वेबसाइट पे इसकी सेल लगी हुई थी जश्न आज़ादी के मौके पर, तो मैंने कहा मैं भी मंगाऊँ। ये बहुत अच्छा, ये जो ब्रांड है ये जर्मनी ब्रांड है ये, ठीक है। और 1950 में इसकी लॉन्च हुआ था जर्मनी में, तो ये उसी ब्रांड का है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, ये इसकी मैंने ये ऑनलाइन बाय के अच्छा ये इसकी मैंने ये ऑनलाइन बाय करा है, आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ये 14 अगस्त के मौके पे तमाम ब्रांड्स ने, ये देखिए हमारे कायद आज़म की भी तस्वीर बनी है, ब्रांड्स ने इस ब्रांड की हर कंट्री में जो जहाँ फ्रेंचाइज होंगी, तो हमारे मुल्क हमारी कंट्री में भी इसकी फ्रेंचाइज है, जर्मनी ब्रांड का ये प्रोडक्ट है। तो हमारे जो इसके फ्रेंचाइज वालों ने भी 14 अगस्त के मौके पर इन्होंने भी सेल निकाली हुई थी, 30% ऑफ पर इनकी सेल थी। ये इनकी इसकी पैकेजिंग है और ये देखिए इनका बार कोड भी है, ये देखिए आपको मैं अच्छे से दिखा दूँ, बार कोड भी है, ये लोकल नहीं है, इम्पोर्टेड है इनके बारे ये। और ये इसके अंदर से ये इनका मिक्स फेड इनका स्किन क्रीम है, ये ब्राइटिंग क्रीम है, ये साशे है, ये देखिए लोगों ने ये भी लॉन्च किया हुआ है ट्रीन, ठीक है। स्किन ब्राइटिंग ये जो साशे है मेरे पास पैकिंग में से निकला है, इसमें इन्होंने ये साशे डाला है, इट्स मीन आई थिंक के ये स्किन केयर है, ब्राइटनिंग का ये क्रीम शायद इन्होंने लॉन्च किया और इसकी ये मेरे ख्याल में इसकी ये मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ब्राइटनिंग 3-in-1, ठीक है, ये देखें, ये आप देख लें, ठीक है। अच्छा, ये इनका मेरे आई थिंक इनका सैलून भी है, ये देखें, ये तीन दो कार्ड निकले हैं इसमें से, पैकिंग में से, और गेट प्राइस 1000 ऑफ, ये देखें, ये निकला है ऑफर कार्ड निकला है, ठीक है, और ओनली 50 डेज के लिए निकला है ये, ठीक है, ये कार्ड निकला है, ये देखिए, अच्छा पैची पैकिंग है। और इनका सैलून है, इनका जो जहाँ इनके पास जो प्रोडक्ट हैं और इनके सैलून पे जो काम होता है वो फॉर एनी स्किन हेयर बॉडी का प्रोडक्ट इनके पास है, ठीक है। और इसी जो इनका सैलून है उस पर भी यही काम होते हैं, स्किन पे स्किन प्रोडक्ट, स्किन हेयर बॉडी पे, ठीक है, और उस पर भी 30% ऑफ है, ये देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये दो कार्ड निकले हैं और ये स्किन का ये अपना ब्राइटनिंग क्रीम निकली है, और ये इनका कितना खूबसूरत इनका पैकेट है, ये देखें कितना अच्छा, बहुत अच्छी पैकिंग है, ये देखें अंदर इन्होंने ये इस तरह की, आपको मैं अगर कैमरा मेरा कैच करे तो ये देखिए अंदर इन्होंने इसके अंदर जो स्किन के हवाले से कि जैसे ये गड्ढे स्किन जैसे हो जाती है, पता नहीं अल्लाह करे कैमरा सही से कैच कर रहा हो, ये देखिए, तो ये आपके ब्लैमिश है, स्कार्स हैं, और ये देखें पिंपल्स वाली स्किन है, और ये ऐसी थी स्किन और इसको लगाने से ऐसे हो गई, ये बिफोर आफ्टर की, ठीक है। फिर ये छाइयों वाली स्किन है तो इस उसको लगाने के बाद बिफोर आफ्टर,
ठीक है, इसी तरह हेयर का है। तो इन सलोन पे जो काम होता है वो वाली स्किन के दाग धब्बे होते हैं, तो उसको ट्रीट करवाने से ऐसी हो जाती है बिफोर आफ्टर। और जिनकी झाइयाँ हों तो उसको, इनके पास जाने जाएंगे आप तो क्या ट्रीट करते हैं आई डोंट नो। और उसके बाद बिफोर आफ्टर पे हेयर हेयर का जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनके सलोन पे जाके या इनका सलोन पे जाके आप इनसे ट्रीट करा सकते हैं। तो इस तरह के अंदर इनके ये देखें, ये 5 स्टार्स भी बने हुए हैं, जिन लोग मतलब कामयाब है माशाल्लाह। और 100K+ हैप्पी कॉस्मेटिक के। अच्छा, ये है इनकी जो असल चीज़ है जो मैंने बाय करी है, ये आप देख रहे होंगे, ये रिमी वी, ये इसका जो ये मॉइस्चराइजर क्रीम है, इसकी रिवर्स हर वेबसाइट पे इसकी मार्केटिंग हो रही थी, तो मैंने कहा मैं भी मंगा के देखूं। तो ये ऑयल फ्री है और इस पे जो ये मॉइस्चराइजर है सन, देखिए सन प्रोटेक्ट भी करता है ये देखिए, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आप लिख लीजिए, क्योंकि अक्सर बोलने में आवाज़ नहीं समझ में आ रही होती है, वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे होते हैं, तो आप इसको इसकी मैं स्पेल भी करके बता देती हूँ। और आपको मैं स्क्रीन के सामने ये रख दिया है कि आप जो बहने, मेरी न्यू कमर्स बहने, अगर ये मंगवाना चाहें, जो भी मेरी बहने मंगवाना चाहें तो ये आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे लिखा है क्लेम्स एंड स्मूथ द स्किन, मतलब स्किन को ये स्मूथ करता है, ठीक है। और ये मॉइस्चराइजर क्रीम है, अब इसको खोलते हैं, आपके सामने ही सामने देखें, मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। देखिए बड़ी खूबसूरत सी ट्यूब है ये, देखें इतनी खूबसूरत, इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात ही वैसे कुछ और होती है, ये देखें, ठीक है, डर्मी वीई, ठीक है। अच्छा, ये जो है इंटेंसिव मॉइस्चराइजर फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, ये देखें। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका रिव्यू क्यों दे रही हूँ। एक तो पहली बात ये कि व्यूअर्स इनका बहुत मार्केटिंग हो रहा था, तो ट्यूब की बहुत मार्केटिंग हो रही थी, और एक अच्छा ब्रांड है, कोडेड है, और यहाँ पे इसकी फ्रेंचाइज है, लोग इसकी भी मार्केटिंग कर रहे थे डिफरेंट वेबसाइट से। मॉइस्चराइजर है, अच्छा मॉइस्चराइजर तो हमारी नीड है मेकअप में ना। अब जैसे हम ब्यूटिशियन जो हैं, जैसे आप लोग घर में मेकअप करते हैं और आपको पार्लर जैसा फ्लॉलेस मेकअप नहीं मिलता, तो उसकी वजह क्या है कि हम सबसे पहले इसको अपनी स्किन को प्रेप करते हैं, सीटीएम करते हैं, फिर हम लगाते हैं मॉइस्चराइजर। तो हमें एक अच्छे मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है, ठीक है, स्किन को प्रेप करने के लिए, स्किन को बहुत अच्छा स्मूथ और हाइड्रेट रखने के लिए हम एक अच्छे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं स्किन के ऊपर। अच्छा, मॉइस्चराइजर हम क्यों लगाते हैं ये भी आप सुन लीजिए। आपने कभी एक न्यू ब्रांड जो बिल्डिंग बन रही होती है, या आप अपने घर में कलर करवा रहे होते हैं, तो जो बिल्कुल न्यू होता है, अगर आप जैसे आपके घर में ऑलरेडी कलर हुआ है उस पर करवा रहे हैं, और अगर कलर भी दो किस्म के होते हैं ना, एक वाटरप्रूफ कलर है ना, और एक एक होता है मैट फिनिश। तो मैट फिनिश में जो जो दीवारों को स्क्रब किया जाता है और फिर उसको ऑयल पिलाया जाता है, उसको प्राइमर लगाया जाता है, ठीक है, इसी तरह हमारी स्किन का है कि हम सीटीएम करते हैं। और जब भी कोई पार्टी मेकअप हो या ब्राइडल मेकअप हो, तो हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आपने आके सर्विसेज लेनी है, आपने ऐसा सुना ही होगा। तो सर्विसेज में हम क्या होता है कि हम सर्विसेज में फेशियल देते हैं, ब्लीच देते हैं, वैक्सिंग देते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फेशियल ट्रीट करते हैं बाल हेयर को, स्किन को, ठीक है, ये सब ट्रीटमेंट होते हैं ब्राइडल मेकअप में। और फिर जो कोई पार्टी मेकअप, जो कोई एक सैलून, अक्सर एक सैलून मेरी बहनें बना लेती हैं, और उनको जिस सैलून का भी काम अच्छा लगता है तो वो वहीं जाए। हमेशा अपनी लाइफ में याद रखिएगा, एक ब्यूटिशियन
एक टेलर एक ज्वेलर रखिए, क्योंकि कोई भी ब्यूटिशियन होती है वो आपकी स्किन समझ जाती है, आपके हेयर के बारे में समझ जाती है, ठीक है। इसी तरह ज्वेलर के आप क्या चाहते हैं, आप उससे डिस्काउंट भी करा सकते हैं, आप उससे इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह टेलर है आपका, वो आपका जो जिस तरह के आप कपड़े स्टिच करवाना चाहती हैं या जिस तरह के स्टिच किए हुए कपड़ों को आप पसंद करती हैं वो अच्छे तरीके से समझ आता है। इसी तरह ब्यूटिशियन भी, कि आपको भी काम करवा रहे हैं चाहे स्किन का चाहे हेयर का चाहे मेकअप का, क्या चाहते हैं तो ब्यूटिशियन आपकी नेचर के हिसाब से आपकी आप किस तरह का मेकअप पसंद करते हैं, किस तरह क्या चाहते हैं, लाइट चाहते हैं, हैवी मेकअप चाहते हैं, लाइट मेकअप चाहते हैं, नेचुरल मेकअप चाहते हैं, वो ब्यूटिशियन समझ जाती है आपको, आपके स्किन को, आपके स्किन टोन को समझ जाती है, हर तरह से आपकी स्किन को वो अच्छे से प्रेप कर लेती है और आपको ट्रीट कर देती है। अपना हर ब्यूटिशियन का अपना एक तरीक़ेकार होता है काम करने का, ठीक है। आप जगह जगह से आईब्रोज बनवाएंगे, कोई शेप आपका कैसा कर देगा, कोई कैसा कर देगा, कोई कैसा कर देगा, हर ब्यूटिशियन का अपना तरीक़ेकार होता है काम करने का। खैर ये हो गया, मैं अपने टॉपिक से नहीं हटी हूँ, है टॉपिक से ही रिलेट जो भी मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मगर मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, हैक्स दे रही हूँ कि आपने क्या करना है। तो हमने जब बिल्डिंग को, बहुत न्यू बिल्डिंग को हमने ऑयल पिलाते हैं, ये करते हैं, इसी तरह हम अपनी स्किन को, क्योंकि इतनी हमारी स्किन जो हमारे वेदर में वेदर चल रहा है, पोल्यूशन है और ड्राइनेस है और हर तरह की स्किन है, फूड अच्छा नहीं है, आप लोग की डाइट अच्छी नहीं है, उससे स्किन पे आपके वैसी स्किन में प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो हमने क्या करना होता है, मेकअप से पहले हमने CTM करने के बाद हमने फिर स्किन को करना होता है मॉइस्चराइज़र। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है व्यूअर्स, ये देखिए मैंने अभी इसकी सील भी नहीं खोली है, तरह से सिल्वर इस पर लेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, CTM कर लेंगे हमने अपने, आप इसको हैंड्स पे भी, क्योंकि हाथों की भी स्किन आपकी मॉइस्चर हो जाएगी, देखिए ऐसे आपने अपने हैंड्स पे भी इसको अप्लाई कर देना है। अक्सर हाथ पाथ बहुत आपके ड्राई हो जाते हैं, है ना, घर के काम काज से, या आपने रात को सोते वक्त अपने हाथों को मॉइस्चराइज लाजमी करना है, ठीक है ना, आप हैंड एंड फुट को मॉइस्चराइज करना है। ये बिल्कुल ये नॉन ग्रेसी है, चिपचिपी नहीं है, बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छे से पेनिट्रेट स्किन में जाकर स्किन को ये स्मूथ और शाइनी कर देती है। इसी तरह हम जब मेकअप करते हैं तो हमने पहले अपनी स्किन को प्रेप करना होता है, हमने बहुत अच्छे से अपनी स्किन पे को मॉइस्चराइज करना होता है, और ये मॉइस्चराइज़र मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आप भी बाय कर सकते हैं, अभी इस पर लगी हुई है सेल, आप देखिए और ख़रीदिए और अपने वैनिटी में डालिए, क्योंकि एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है, नॉन ग्रेसी है ये, और ऑयल चिपचिपापन नहीं है ये इसमें, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, जिनके पिंपल्स होते हैं और स्किन आपने देखा होगा स्किन आपकी हट रही होती है, जैसे जस्ट लाइक आटे का भूसा, ठीक है ना, भूसी होती है ना, इस तरह स्किन हाथों पे भी भूसी उड़ रही होती है और ड्राई हो रहे होते हैं और चेहरे पे भी, और जब पिंपल हो जाते हैं पिंपल के आप देखें सर्कल पे स्किन उतर रही होती है ना, जैसे हमारे स्किन पे पिंपल आया और जब पिंपल जब सही हो रहा था तो स्किन की राउंड में, स्किन के राउंड में आपकी स्किन ड्राई हो रही होती है और छिलके की तरह उतर रही होती है, तो उसके इस टाइप की जब स्किन आ जाए तो हमने उसको हाइड्रेट रखने के लिए मॉइस्चराइज करना होता है CTM के बाद, फिर उसके बाद मेकअप की एप्लीकेशन करनी होती है। मैंने देखे अब जैसे जस्ट लाइक हमारा ये फेस है वेबर, तो ये हम अपने फेस पर जैसे हमने ये मॉइस्चराइज किया, चाहे आपका लिक्विड फाउंडेशन हो, चाहे आपका फाउंडेशन है वो नास का है और क्राइलॉन की स्टिक, कहने का मकसद ये चाहे लिक्विड फाउंडेशन हो चाहे स्टिक पे फाउंडेशन हो, ये इस तरह की हो, कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर रहे हो चाहे लिक्विड में चाहे स्टिक में क्रीम में, तो आपने उसको पहले सबसे पहले स्किन को मॉइस्चराइज करना होगा, फिर आपने थोड़ा सा ये मैं आपको समझाने के लिए, मॉइस्चराइज करने के बाद अपने स्किन को प्राइमर लगाना होगा, अगर पोर्स आपके जो जहाँ जहाँ आपके पोर्स ओपन हैं और उसको आपने और लार्ज हो गए तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आपने प्राइमर मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर लगाना होगा, फिर उसके बाद आपने फाउंडेशन की एप्लीकेशन करनी होगी। तो आप यकीन जानिए चाहे आप ब्रश से कर रहे हों
चाहे आप ब्यूटी ब्लेंडर से कर रहे हैं, तो आप यकीन करें इतना स्मूथ चलता है, स्मूथली आपकी स्किन पर आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें इतना स्मूथ आपका ब्रश, आपका ब्रश और आपका ब्यूटी ब्लेंडर बड़ा स्मूथली चलता है। और आपकी स्किन को हमने पहले से प्रेप कर लिया होता है और उसके मॉइस्चराइज लगा लिया होता है, तो बहुत आपका मेकअप जो ये मॉइस्चराइजर होता है वो हमारा बैरियर का काम करता है स्किन में, स्किन के ऊपर। जब हम कोई फाउंडेशन लगा रहे होते हैं या स्टिकी हो चाहे क्रीमी हो, तो वो बैरियर का काम करता है कि वो बिल्कुल और स्मूथली इसका ब्रश चल रहा होता है, ब्यूटी ब्लेंडर चल रहा है। अब इसी तरह मैंने लिक्विड का करके बताया, इसी तरह मैं आपको बताऊं स्टिक का। ये देखें चाहे स्टिक हो चाहे, अब इसी तरह आपने ये ब्रश से इसको स्किन पे लगाना है। ये देखिए ये मैंने स्टिक का भी करके बता रही हूँ आपको, ठीक है। और अभी अगर ब्यूटी ब्लेंडर से करना चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप कर सकते हैं। ये देखें हमने पहले स्किन को मॉइस्चराइज ही करना होता है, देखें कितना स्मूथ ब्लेंड हो रहा है। वजह क्या है कि हमने स्किन को हाइड्रेट कर दी है। जब स्किन पे डिहाइड्रेशन हो रही होती है, वाटर इनटेक आपका कम होता है स्किन पे, तो इसी तरह आपकी स्किन भी ड्राई की तरफ जा रही होती है, ठीक है। तो आपने यही फॉर्मूला होता है स्किन को फ्लॉलेस बनाने के लिए और मेकअप को, ठीक है। देखिए कितना आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, कितना अच्छे से बिल्कुल ऐसा आपका ब्यूटी ब्लेंडर चल रहा होता है या ब्रश जैसे हवा में कहीं पे अटक नहीं रहा होता है, जैसे आपको फॉर भरना नहीं पड़ता है। जैसे हम एक बिल्डिंग में कलर कर रहे होते हैं और उसको प्राइमर वाइमर पिलाते हैं, इसी तरह मैट फिनिश का काम एक्चुअली ये हमारे स्किन के ऊपर जो हम मॉइस्चराइजर CTM वगैरह करते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, प्राइमर लगाते हैं, फिर हम फाउंडेशन की एप्लीकेशन करते हैं, तो ये हमारा CTM का काम करता है। और बहुत स्किन में जाके हमारे ये पेनिट्रेट नहीं होता, स्किन में फ्लॉलेस लेकर आता है और ये हमारा बैरियर का काम करता है, हमारी स्किन को नुकसान नहीं करता। ये देखिए तो ये था मेरा आज का रिव्यू मॉइस्चराइजर पर, DermiVE मॉइस्चराइजर, जर्मनी का ब्रांड है ये। प्लस स्किन कर देता है, बटरी स्किन कर देता है, बहुत सॉफ्ट स्किन कर देता है, जो जिनकी बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होती है उसको फ्लॉलेस करता है, बटरी करता है और स्मूथ फाउंडेशन लगाने में स्मूथनेस दिखाता है फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए। तो ये था मेरा आज का रिव्यू मॉइस्चराइजर पर, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। अगस्त के मौके पर तमाम ब्रांड्स हैं, मैंने आपको रिव्यू में बताया कि तमाम ब्रांड्स अपने 14 अगस्त के मौके पर बैक पे सेल लगा देते हैं। तो जो बहन मेरी न्यू कमर्स बहने हैं जिनको मेकअप में जो ये आपके वैनिटी में होना चाहिए, सही, जब आप सीख रहे हैं तो आप प्रॉपर वे में सीखिए। और अगर हम ये मॉइस्चराइजर स्किन पर नहीं अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन खुरदरी, बिल्कुल नॉट फ्लॉलेस होगी, और बैक को पिलाना पड़ेगा स्किन को। और अगर आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो आपकी स्किन में ज़्यादा प्रोडक्ट को पेनिट्रेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको स्किन प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा भी लगाएंगे तो बहुत अच्छा स्मूथली जेंटली आपका ब्लेंड आउट हो जाएगा। मैंने भी ऑनलाइन बाय किया और ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। मेकअप से पहले हमने इसको अप्लाई करना होता है, प्राइमर CTM के बाद मॉइस्चराइज करना होता है स्किन को, फिर प्राइमर लगाना होता है, फिर हमने इसकी एप्लीकेशन करनी होती है। तो ये था आज का रिव्यू DermiVE मॉइस्चराइजर क्रीम पर, जो जर्मनी का ब्रांड है। तो ये था मेरा रिव्यू। तो अगर मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए। मेरे साथ इस तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रिफत मैकब्रेस से अल्लाह हाफिज़।